सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। नाइन्थ क्लास में आज हम शुरू करेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। दी हुई ए बी आधार पर प्रकार द्वारा ए बी सी डी एक वर्ग बनाओ। तो अगर आपने परिभाषाएं याद की होगी वर्ग की और ये चतुर्भुज की तो आपको ये प्रश्न आसान रहेंगे। तो आपने परिभाषाएं नहीं भी याद की तो फिर आप याद कर लीजिए। तो हमें एक आधार दे रखा है ए बी, तो हम आधार ले लेते हैं ए बी। ये आप देख सकते हैं ये हमने ले लिया है ए और बी, ये आप देख सकते हैं। इसी के समांतर हमने दूसरा आधार लेना है, तो हमें या तो प्रकार खोल के इसको नाप लेंगे या हम इससे से देखिए ये 6 सेंटीमीटर है, या हम इसको फुट्टे से ही नाप करके इसके समांतर हम रेखा ले लेते हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं ये हम रेखा ले रहे हैं 6 सेंटीमीटर की, ये हमें दिया हुआ था इस तरह से। और यहाँ हम नाम लिख देंगे इसका कैपिटल लेटर में ए और बी। यदि वर्ग है तो वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और भुजाएं चारों बराबर होती है। तो हम यहाँ पे इसमें जो है वो 90 डिग्री का कोण आप या तो बी पे बना सकते हैं या आप ए पे बना सकते हैं, जहाँ पे भी आप चाहो बनाना बना सकते हैं, और दोनों जगह भी चाहो बनाना दोनों जगह भी आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसमें ए पॉइंट पे बना देता हूँ आपका इस तरह से। ये आपका 90 डिग्री का कोण है, आप चाहो तो यहाँ पे बना सकते हैं, नहीं तो आप एक ही जगह भी बना सकते हैं जैसा आपके बुक में दिया हुआ है। मैं उसी तरह से बना देता हूँ यहाँ पे, इसको मिला लेते हैं। अभी हम इसको हल्की लाइन से मिलाएंगे इस तरह से, और हम इसको नाप लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर हमने नापा हुआ है, तो मैं इसको फुट्टे से ही काट देता हूँ यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं ये हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हम इसको डार्क कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। ये हमारी जो वर्ग है, वर्ग की दो भुजाएं आ चुकी हैं ए बी, और ये आपकी आ गई है ए डी रेखा है हमारे पास। ये फालतू लाइन इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से प्रकार खोलनी है बी से, और ए जितनी प्रकार हमने खोलनी ए बी जितनी, तो इतना ही हमारा ए डी होगा। आप देख सकते हैं ये देखिए बिल्कुल बराबर है। इसी तरह से हमने क्या करना है, बी पॉइंट से हमने यहाँ पे इस तरह से चाप लगा देनी है, और डी पॉइंट से भी हमने चाप लगानी है इस तरह से। जहाँ पे चापे कट रही है ये पॉइंट आपका आ गया सी। हमने बी और सी को यहाँ पे जहाँ पॉइंट है इसको डार्क हमने मिला देना है इस तरह से, और अब हमने सी और डी को भी डार्क मिला देना है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं ये आपका प्रश्न नंबर है 73, ये आपका बन के तैयार हो। अगला हमारा प्रश्न नंबर 74। दिए हुए ए सी कर्ण पर वर्ग बनाओ। तो हमें कर्ण दे रखा है ए सी, तो हमने ये यहाँ पे कर्ण ले लेते हैं। सबसे पहले हम ए सी यहाँ पे आप देखिए ये हमने कर्ण ले लिया है ए और सी। अब हमने इसको नापना है कितना है हमारा, ये देखिए 7 सेंटीमीटर है। हमने यहाँ पे एक 7 सेंटीमीटर रेखा ले लेनी है ये आप देख सकते हैं ये हमारी है 7 सेंटीमीटर रेखा। ये हमारा है ए सी कर्ण हमारा है ये। हमने क्या करना है, ए सी कर्ण का हमने संधि भाजन कर देना है। हम लोग आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के हमने यहाँ पे इस तरह से चाप लगा देनी है। इस तरह से सी से अब हमने ए से भी चाप लगानी है। इस तरह से हमने डॉटेड चापे यहाँ पे लगानी है, और जहाँ पे ये चापे आपस में कट रही है ये जो पॉइंट आ रहे हैं इनको हमने
मिला देना है आपस में। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसको मिला देंगे। अब हमने क्या करना है, जहां पे ये संधि भाजन में रेखा आ रही है पॉइंट आपका है ओ, हमने क्या करना है ओ पॉइंट पर प्रकार रखना है और ए जितनी प्रकार खोलनी है यहां से, और यहां से हमने डॉटेड सर्कल लगा देना है यहां से। इस तरह से हम ये सर्कल पूरा कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। ऊपर जहां पे सर्कल संधि भाजन वाली रेखा को काट रहा है ये पॉइंट हमारा है डी, और नीचे जहां काट रहा है ये पॉइंट हमारा है बी। और हमने क्या करना है ए और बी को आपस में डॉट मिला देना है यहां से। ये आप देख सकते हैं इसी तरह से हमने बी और सी जो आपकी रेखा है इसको भी हमने डॉट मिला देना है यहां से इस तरह से, और हमने सी और डी को भी हमने डॉट मिला देना है इस तरह से यहां पे ये, और हमने ए और डी जो आपकी रेखा है इसको भी हमने यहाँ पे डार्क मिला इस तरह से। ये आपका प्रश्न बन के तैयार हो गया है। ये प्रश्न नंबर आपका है 74। ये हमारा बन के